हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी ट्रिक्स सुपर 20। एसएससी ट्रिक्स सुपर 20 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में एनडीए सरकार की पांचवी और इस सत्र की आखिरी बजट। इसमें देखिए, एक स्वास्थ्य बीमा योजना एक सबसे मुख्य इस योजना का केंद्र है। जैसे आयुष्मान भारत योजना, इस नाम से योजना चलाई जाएगी जिसमें 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये 40% आबादी को सरकारी हेल्थ बीमा उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही टीबी के मरीज को सरकार की तरफ से हर महीने 500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 10 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये का हेल्थ बीमा मिलेगा। अगला, प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना। इस योजना के तहत हर साल प्रमुख संस्थानों से 1000 सर्वश्रेष्ठ बीटेक विद्यार्थियों की पहचान करेंगे और उन्हें आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएचडी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। छात्रों को एक अच्छी फेलोशिप रकम भी दी जाएगी, माना जा रहा 75,000 रुपये हो सकता है इनको एक फेलोशिप प्रदान की जाए। तो सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों से जो है बीटेक के छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा, 1000 छात्रों को जो है आईआईटी और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएचडी कराई जाएगी। नेक्स्ट, आपका उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब क्या ये 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुँचाई जाएगी। अगला, किसानों के लिए क्या इस बजट में है। खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है। मछुआरों और पशुपालकों को भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। कृषि बाजार के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ऑर्गेनिक खेती की को और बढ़ावा दिया जाएगा। महिला समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मछली पालन और पशुपालन व्यवसाय में 10,000 करोड़ रुपए देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की आय बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आलू, टमाटर और प्याज को साल भर उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ग्रीन, जिसके तहत 500 करोड़ का आवंटन किया गया है। 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे और 1290 करोड़ का बैम्बू मिशन चलाया जाएगा। SC ST के लिए क्या है। अनुसूचित जातियों के लिए 56,619 करोड़ रुपए और अनुसूचित जातियों के लिए 39,135 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये हर साल आवंटन होता है और SC ST स्थिति एज इट इज़ बनी रहती है। पिछली बार भी लगभग ये 52,000 करोड़ रुपए थी और इस बार 56,000 है, तो ये 50-60 हज़ार करोड़ तो हर साल निकलते ही हैं और स्थिति एज इट इज़ बरकरार है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो प्री नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बड़ोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी और आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे जो कि नवोदय विद्यालय के आधार पर, मतलब एकलव्य एकेडमी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए कर्मचारियों के लिए EPF में भारत सरकार ने 12% देगी और दिल्ली NCR में प्रदूषण से निपटने के लिए नई स्कीम चलाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों को डिपॉजिट में राहत दी गई है। इनकी डिपॉजिट 10,000 से बढ़कर 50,000 बिना टैक्स हो गई है। गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 187 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये योजना काफ़ी अच्छी है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि इसके पैसे का वो कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गंगा साफ होगी कि नहीं ये तो मोदी ही जानते हैं। नेक्स्ट, आपका भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति महीने तक किया जाएगा। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख। तो ये हमारे देश के सबसे जिनको ज़रूरत है पैसे की, अभी उनके वेतन बढ़ाई जा रही है और इनका गुजारा भत्ता थोड़ा बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, राज्यपाल के वेतन 3.5 लाख। मतलब अगर आप देखें तो पिछले के मुकाबले 200% से भी ज़्यादा इनके वेतन बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति 1.25 लाख या 1.5 लाख ऐसे थे,
इसमें से बढ़ाकर 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख कर दिया गया। और सांसदों के वेतन को भी जेटली ने कहा, सांसदों की तनख्वाह में बढ़ोतरी महंगाई इंडेक्स के आधार पर होंगे। बिल्कुल, सांसदों का भी वेतन बढ़ेगा और महंगाई इंडेक्स के आधार पर 1 अप्रैल 2018 से लागू होगा। मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी 15 से बढ़कर 20% किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन और टीवी महंगे होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने 1% सेस बढ़ाया या सेस 3% के बजाय 4% कर दिया, तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी महंगे होंगे। आम लोगों को सरकार ने इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और नौकरी के लिए 72 लाख का नया जुमला पेश किया गया है जेटली के द्वारा। तो ये जो पहले 1 करोड़ था, 72 लाख हुआ है, अब जो भी हुआ है तो ये जुमला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेलवे बजट में क्या रहा है। ये लगातार दूसरी बार है जब आम बजट के साथ ही रेल बजट पेश हो रहा है। तो ये दूसरी बार जो है आम बजट के साथ रेल बजट भी आ रहा है। वित्त मंत्री और जेटली ने रेल बजट में कई अहम ऐलान किए हैं। रेलवे पर 1,48,000 रुपये खर्च करेंगे। 25,000 रेलवे स्टेशनों पर लगेगी स्वचालित सीढ़ियाँ, मतलब स्केलेटर्स। सभी स्टेशनों पर होंगी वाईफाई सुविधा और रेलवे के सभी नेटवर्क ब्रॉडगेज से बदले जाएंगे। मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाया जाएगा 90 किलोमीटर के लिए। नई डबल लाइन बनेगी और 600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। और इसमें इस बजट में एक और है कि सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, सबको वाईफाई प्रदान की जाएगी, जिसके लिए शायद कुछ हज़ारों करोड़ों का योजना है ये। तो इस योजना में मतलब जहाँ पे ऑलरेडी सबके पास वाईफाई है, सबके पास जियो है, उसमें भी एक योजना लाई गई है कि सबको सभी गाँव में वाईफाई कनेक्ट किया जाएगा। मतलब योजना में कमी नहीं है कोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।